सो एवरीवन, आज हम लोग बनाने वाले हैं राजमा चावल की रेसिपी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले राजमा ले और इसे धो ले, और अब इसमें पानी डाले और इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दें। तो अब इसका पानी अलग कर ले। और अब इसे कुकर में डाले और अब इसमें 1 कप पानी डाल दे और इसे 2 सीटी तक अच्छे से पका ले। तो अभी अच्छे से पक चुका, इसका पानी अलग कर ले। तो अब एक कढ़ाई ले, उसमें तेल डाले और अब इसमें राई डाले और इसमें तेज पत्ता डाले और अब इसमें लहसुन डाले और फिर इसमें प्याज डाले और अब इसे थोड़ी देर फ्राई कर ले। और फिर इसमें टमाटर, हरी मिर्च डाले और फिर इसमें हल्दी, गोलकी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मीट मसाला, धनिया पाउडर और इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर ले। और अब इसमें नमक, राजमा डालें और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे साइड कर ले। फिर एक बर्तन ले, उसमें चावल डालें और इसे 1 से 2 बार अच्छे से धो ले। और अब इसे 2 मिनट के रेस्ट पर रख दे। तब एक कढ़ाई ले, उसमें तेल डाले और अब इसमें इस चावल को डाल दे और इसे थोड़ी देर तक फ्राई कर ले। और फिर इस चावल को हमने जो राजमा बनाया था उसमें इसे डाल दे और अच्छे से मिक्स कर ले। और अब इसमें पानी डाले, हमने यहाँ पे 2 कप पानी डाला है क्योंकि हमने यहाँ पे 1 कप चावल लिया है। जितना आपने चावल लिया उसका डबल आपको पानी डालना है। और अब इसे 5 से 10 मिनट पकने के लिए छोड़ दे। तो अभी ये अच्छे से पक चुका है, तो अब भी हमारा रेसिपी रेडी है। So if you like this video, please give me a thumbs up and do subscribe my YouTube channel Easy Lifestyle. Bye.